बल्लभ युग कहानी और सत्या तीनों मिलकर करने वाले हैं इरावती का खेल खत्म। जी हाँ दोस्तों, आपके फेवरेट शो नमक इस काम में अब इरावती का खेल खत्म होता हुआ नजर आने वाला है, क्योंकि अब तीन लोग एकजुट हो चुके हैं और वो है युग, कहानी और सत्या। और कहानी को तो अब ये भी महसूस होने लग गया है कि सत्या ही उसकी खोई हुई बचपन की खोई हुई जुड़वा बहन है, लेकिन जो युग है वो अब पूरी तरीके से साथ देता हुआ नजर आएगा कहानी और सत्या का, क्योंकि अभी भी सत्या और कहानी की माँ इरावती के कब्जे में है। और ऐसे में ये एक कमज़ोर नब्ज़ है जो अभी भी इरावती दबा सकती है कहानी और सत्या की, लेकिन ऐसे में युग भी, अगर इरावती अच्छी चालें चल सकती है तो युग भी कोई कम नहीं है। इसलिए युग भी पूरी तरीके से प्लानिंग के साथ में इरावती का प्लान चौपट करने की कोशिश करने वाला है। और शो में आप ये भी देखेंगे कि इरावती सत्या पर हाथ भी उठा देगी, क्योंकि सत्या इरावती के आंखों में आंखें डालकर देखेगी और ये इरावती को बिल्कुल भी गवारा नहीं होगा। उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आएगा कि वो सत्या पर हाथ भी उठा देगी। वहीं पर रूपा भी मौजूद होगी जो ये देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाएगी। इरावती दरअसल पुलिस बुलाकर सत्या को गिरफ्तार करवाने की कोशिश करेगी, लेकिन यहाँ पर सत्या युग और कहानी के साथ मिलकर अलग प्लानिंग कर चुकी है और खुद की जगह इरावती को सलाखों के पीछे करने की प्लानिंग कर रही है। वेल, देखना होगा कि कौन जाता है सलाखों के पीछे, क्या इरावती या फिर सत्या। वैसे आपका क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। और टीवी शोज और बॉलीवुड की ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीपीप्स को।